नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। भाजपा नेता गोपी कृष्ण नेमा के घर हुए हमले के मामले में पुलिस ने दो और फरार आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपी कृष्ण नेमा के घर पर बड़ी संख्या में हथियार बंद बदमाशों ने हमला किया था। मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 16 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 5 आरोपियों का जुलूस भी निकाला था। हाल ही में पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को और गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई थी। एडिशनल एसपी राजेश व्यास के अनुसार पकड़ाए आरोपियों के नाम ऋषभ बुंदड़ा और इनायत अली है। दोनों आरोपी अलग अलग वाहन से नेमा के घर पहुंचे थे। फिलहाल पकड़ाए दोनों आरोपियों का पुलिस ने रिमांड लिया है। बीजेपी नेता के घर हुए हमले के मामले में 20 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। शेष बचे आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्या नाम है? ये जैसा कि आपको मालूम है कि गोपी नेमा जी के घर में कुछ लोगों ने हमला किया था, उसमें करीब 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी परसों 2 लोगों की गिरफ्तारी और हुई थी। उनके नाम है ऋषभ मुंदड़ा और इनायत अली। इन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस ने एक दिन का पीआर लिया था और इस घटना से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य जो है वो उनके बारे में पूछताछ की गई, और साथ ही जो उनसे जो गाड़ियां जब्त करनी थी, उनसे कपड़े जब्त करने थे, वो पुलिस द्वारा किए गए। सर, कितने बैकग्राउंड क्या है इनका? ये दोनों ही अराउंड उनकी एज है 24-25 साल है, और दोनों एक व्यावसायिक अपनी दुकानें और इस तरह के धंधे में लगे हुए। सर, अब कितने आरोपी और बचे हुए हैं? उसमें करीब 5-6 आरोपी और बचे। सर, इसमें इनके भी कोई मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मकान तोड़ने की कार्रवाई यहाँ तक है उन सभी असामाजिक तत्वों का, जिनको जिनसे एक समाज को और आम आदमी को परेशानी होती है। उन असामाजिक तत्वों, गुंडों किस्म के जो होते उनके, और उनके यदि मकान यदि कुछ गैरकानूनी ढंग से बनाए गए हैं, वो नगर निगम की एक कार्रवाई होती है। नगर निगम पूरा उसको एनालिसिस करता है, उनका स्टडी करता है, उसके बाद ही वो कार्रवाई होती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।